हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्सेनल। अभी हम डिस्कशन करेंगे प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर द 2020 के लिए। करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स कमिंग प्रीलिम्स फॉर द 2020 जो 31 मई को होने वाला है। ओके, सो ये पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, ये टोटली फ्री है। सो पहला क्वेश्चन जो है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में देखेंगे। ये एक डाटाबेस ऑफ द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से IMEI जो है कि 15-digit नंबर है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच मोबाइल डिवाइस। ये बोथ 1 और 2 आर करेक्ट यर, सी इज द आंसर यर। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जो स्वयं प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्लेटफॉर्म एक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल है, ये सही बात है। कोर्सेस डिलीवर द स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी सही बात है। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, खर्ची पूजा के बारे में देखेंगे। एक हिंदू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेटेड होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में। यहाँ पे जो है दिया है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ओके, सो ये इज द आंसर, त्रिपुरा है। फोर्थ क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। इट इज इंडिपेंडेंट टू द यूनाइटेड नेशंस। इट इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग। ये सही बात है। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है, सी। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के बारे में देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इट प्रपोजेस टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटीज, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटर जनरेशन ओके जनरलाइज equity that deals with well-being, not only the present generation but also the generations. So both 1 and 2 are correct. C is the answer here. 7th number question, midday meal के बारे में देखेंगे। ये start हुआ था 1995, national program of nutritional support to the primary educations. Okay, midday meals scheme is covered by the national food security act 2013. ये भी सही बात है। So C is the answer here. Both 1 and 2 are correct here. आगमार्ग के बारे में देखेंगे। आगमार्ग के हेड ऑफिस एट हरियाणा है। आगमार्ग जो है लीगली एनफोर्स्ड इन द इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। सो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है। ओके, गंगाटिक डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। गंगाटिक डॉल्फिन जो है एक फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है। ये फाउंड होता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो कि सिस्टम है इन इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये भी सही बात है। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है, सी इज द आंसर यार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखेंगे। ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट सीट्स इन द हॉग। ओके, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ICC। इट हैज टू वर्किंग लैंग्वेज, इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो इसमें जो वेरी ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सो इसमें देखेंगे जो यहाँ पे दिया सेकंड नंबर स्टेटमेंट, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ICC, मीन्स इंडिया मेंबर है। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है गलत दिया है। सो 1 और 3 आर करेक्ट है, मीन्स ओके सी इज द आंसर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, जो कौन रिलीज करता है इसको। ओके, डी मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पक्षो। ओके, एक्ट 2012 का स्टेटमेंट कौन सा है। एक्ट इज प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। यस, इट इज करेक्ट। द एक्ट प्रोवाइड्स स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस फॉर द स्पेशल कोर्ट्स। ये भी सही बात है, सी इज द आंसर है। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट है। ओके, खादी एंड जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। ये एक स्टेचुटरी बॉडी फाउंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भी सही बात है। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, सी इज द आंसर है। 14th नंबर क्वेश्चन, सेवा भोज योजना के बारे में हम देखेंगे। ओके, सेवा भोज योजना जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो सेवा भोज योजना जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट, तो ये सही बात है, चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये एप्लीकेबल है। बट पहला जो दिया है ये एक सेंट्रल जो है स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी सही बात है। बट ये जो मिनिस्ट्री आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के अंडर नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कल्चर के अंडर आता है। ओके, सो यहाँ पे जो है गलत है। सो बी इज द आंसर हियर। ओके, लैकुंस के बारे में देखें। कॉन्स्टेंटपन ये एक इंडिया का ओनली रिसर्च फैसिलिटी एंगेज इन द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स रिसोर्सेज। इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
सो शी इज द आंसर इज बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हियर. ओके 16 नंबर क्वेश्चन, गरिया फेस्टिवल एक ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टेट्स कौन सा है? डी त्रिपुरा में होता है गरिया फेस्टिवल. ओके एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है. और 17 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जापान एंड साउथ कोरिया आर ओनली कंट्रीज इन द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया टू हैव ब्लू फ्लैग बीचेस. ओके फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन हेडक्वार्टर इन द कंपेंगन. ओके सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हियर, सी इज द आंसर हियर. 18 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न स्लेवरी इनोवेशन जो है फंड जो है इनिशिएटिव ऑफ द व्हिच कंट्री? ओके ब्रिटेन होता है. मॉडर्न स्लेवरी इनोवेशन फंड जो है ब्रिटेन है. ओके संगीत नाटक अकादमी के बारे में देखेंगे, इट इज ए अपेक्स बॉडी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन द कंट्री, इट इज ए ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये भी सही बात है, बोथ वन एंड टू करेक्ट है. ओके 20 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देखेंगे, इट फॉर्मड वेक अप इन 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था 2018 में. ओके ये एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट है, मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये फॉर्मड हुआ था जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में. करेक्शन ओके ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल जो काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. ओके 21 नंबर क्वेश्चन, सीरियस फ्रॉड जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द व्हाइट कॉलर क्राइम्स एंड फ्रॉड्स, इट फंक्शन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो ए इज द आंसर हियर. ओके सीरियस फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, ये होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता है. सो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. 23 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सो पहला जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट इज इट वॉज एस्टेब्लिश 1861 बाय अलेक्जेंडर. ओके इट ऑल्सो रेगुलेट द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972. ओके ये बोथ वन मीन्स 1, 2, 3 आर करेक्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. 24 नंबर क्वेश्चन, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम देखेंगे, ये है महाराष्ट्र में. प्रधानमंत्री रोजगार जो है प्रोत्साहन योजना के बारे में देखेंगे, सो सी द आंसर हियर, मींस इट वाज अनाउंस द बजट 2017-18, स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके सो 26 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखेंगे, आईएससी जो है इंडिया इनिशिएटिव है जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस 2015, साइलेंस ऑफ COP 21 एंड यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, फर्स्ट असेंबली ऑफ आईएसए वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो बोथ वन एंड टू करेक्ट हियर. ओके 27 क्वेश्चन, जो इंटरपोल के बारे में देखेंगे, स्टेटमेंट कौन सा है? इंटरपोल जो है एक ग्लोबल पॉलिसी कोऑपरेशन एजेंसी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है लायन फ्रांस में. सो सी इज द आंसर, ये बोथ वन एंड टू आर करेक्ट है. ओके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देखेंगे, ICJ जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1945 बाय द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, which also created UN. Okay, the seat of court is located in New York. So A is the answer here, because the seat of the court located jo hai New York mein hai. So iska jo location located hai kahan pe na, Hague mein hai. Okay, so A is the answer here. 29 national social assistance program ke bare mein dekhenge, ye ek central sponsored scheme hai under the Ministry of the Rural Development. It aims to provide the financial assistance to elderly widows and persons with a disability in the form of social pensions. So see the answer here, both 1 and 2 are correct here. 30 number question, solar charkha ke mission ke baare mein dekhenge, ye launched by the Ministry of New and Renewable Energy during the June 2018. Mission is one of the several initiative that part of the national action plan on the climate change. So see the answer here, solar chakra jo hai charkha jo mission hai ye ministry of new renewable energy during the June to 2018 year. Okay खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के कमीशन के बारे में देखेंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो
small medium enterprises. So C is the answer है, both 1 and 2 है correct here. Okay, 32 उड़ान स्कीम के बारे में देखेंगे. इसका इसका जो aim है, providing connectivity to unserved and underserved airport of the country through the revival and existing air जो strip and the airports. So Minister of Civil Aviation in the implement जो implementation authority है. Okay, C is the answer है, both 1 and 2 है correct here. जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसके बारे में देखेंगे. पीरियडिक लेबर जो फोर्स सर्वे लॉन्च बाय द एनएसएसओ इट प्रोवाइड्स ईयरली एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डाटा. सी इज द आंसर है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है. 34 ओके पीएसओ ओके पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे. ये फंक्शन करता है अंडर द कौन सा मिनिस्ट्री में. तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मींस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर आएगा. ओके 35 द अलगे ओके अगला गए आइलैंड के बारे में देखेंगे. कंट्रोल द मॉरिशस से ये फास्ट ट्रैक के बारे में देखेंगे हम. ये एक कार्ड होता है लॉन्च बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट एम्प्लॉयड RFID टेक्नोलॉजी फॉर द मेकिंग टोल फी टोल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड अकाउंट्स लिंक्ड इट. सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है. सी इज द आंसर देन. राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में देखेंगे. So, it is an autonomous body under the Ministry of Women and Child Development. It was registered under the Society Registration Act 1860. So, see the answer here, both 1 and 2 जो statement है, correct here. 38 number question, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखेंगे. एक central sector scheme है. It is previously known as इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010. ये एक beneficiary eligible to receive the benefit under the स्कीम ओनली वंस. ये जो वंस दिया है ये गलत दिया है. ओके सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रहोगे. सो ए इज द आंसर इन 1 2 आर करेक्ट है. ओके ये वंस नहीं होगा. 39 नंबर क्वेश्चन नाग मिसाइल के बारे में देखेंगे. ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड जो फॉरगेट ओके एंटी टैंक मिसाइल है. इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म ओनली. जो ओनली यहाँ पे दे दिया यहाँ पे गलत हो गया. लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से नहीं, ये हर कहीं से इसको लॉन्च कर सकते हैं. सो देन थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज वन अमंग द फाइव मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो 1 and 3 आर करेक्ट हियर. मींस सी इज द आंसर हियर. 40 नंबर क्वेश्चन कोकोबो रॉक जो एक प्रेडोमिनेंटली स्पोकन इन द इंडियन स्टेट कौन सा है. ये सी है, मेघालय में बोलते हैं इसको. ओके कोकोबो रॉक ओके फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड देयर कहाँ पे जो वोमेन जो है वोट दिए थे वहां पे अलाउड किए थे. फर्स्ट कंट्री कौन सा था. न्यूजीलैंड था वो. ओके सो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनेबल्स द एंटरटेल्ड सर्विस वोटर्स टू कास्ट देयर वोट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट फ्रॉम द एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये भी सही बात है. सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है. 43 नंबर क्वेश्चन चांदीपुरा वायरस के बारे में देखेंगे. ये एक मेंबर ऑफ ओके राबोडो बेरेडे फैमिली है जो कि एसोसिएटेड विथ द हर्पीज जोस्टर इलनेस ऑफ ह्यूमंस. द वायरस इज प्रेडोमिनेंटली इन्फेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन द एज जो है 2 to 16. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है. सी इज द आंसर हियर. 44 इंडिया का जो है इंडियाज रेलवे यूनिवर्सिटी जो है ओके India's first railway university was opened at Calcutta. It is third such university in the world after the Russia and China. ये जो है इंडिया में जो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हुआ है ये कलकत्ता में नहीं है, ये गलत है. ओके तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है. जो इंडिया का रेलवे यूनिवर्सिटी है फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी है वो है भदोदरा. ओके 45 एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे. ये प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट. इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ APTA मींस एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट. APTA इज ओनली द ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट लिंकिंग चाइना एंड पाकिस्तान. सो ए इज द आंसर है. 1 एंड 2 आर करेक्ट है. ओके ये जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रहेंगे.
46 नंबर इरावती डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। इट इज देर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN। ये सही बात है, फाउंडेड इन गंगा मेकोंग इरावती रिवर सिस्टम। ओके, चिलिका लेक इन ओडिशा हैज एमर्ज्ड एज सिंगल लार्जेस्ट हैबिटेंट ऑफ इरावती डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द आंसर, यन 1, 2, 3 आर करेक्टेड। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये एक जो स्कीम है टारगेटेड टू इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो। ओके, ये सही बात है। इट इज द एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, सी इज द आंसर हियर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया इज अ कंप्रेसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। ओके, द कीस्टोन एक्सेल पाइप पाइपलाइन जो है एक प्लांट 1897 किलोमीटर पाइपलाइन है, विल बूस्ट द फ्लो ऑफ द ऑयल फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी ओके प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इको जो इको सिस्टम ओके सर्विसेस, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश इन 2015, इट डोज फॉर द बायोडाइवर्सिटी फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज डोज द क्लाइमेट चेंज। सो ये यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए नाटो मेंबर्स। ओके, सो यहाँ पे जो है ये तुर्की जो है ये नाटो मेंबर्स है नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।